एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। वह जैसे तैसे करके अपना घर चलाते थे और दूसरों के खेतों में माँ बेटी काम करने जाया करती थी और घर का भी काम संभालती थी। इधर पति उसका दिन भर घर में रहता और फिर सड़क पे निकल जाता घूमने के लिए और घर आता तो सो जाता। एक दिन उधर से उसका पति आता है और बोलता है, अरे कहाँ मर गई, खाने को दो जल्दी, मुझे भूख लगी है। तब उधर से उसकी पत्नी आती है, तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ नहीं लगता है? दिन भर घूमो और सो और फिर ऊपर से खाने को मांगो, तुमको ये भी नहीं लगता है कि खाना आखिर आएगा कहाँ से और बनेगा कहाँ से? जाओ कमाओ और फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। पति झल्लाता और बोलता कि मुझे खाने को दो जल्दी सा। तो फिर उसकी पत्नी खाने को लाके देती है और फिर खाता है और फिर सो जाता है। एक दिन फिर वैसा ही करता है, वो बाहर से घूम फिर कर आता है और बोलता है, अरे सुनती हो कहाँ मर गई, खाने को दो। तब उधर से देख रहा है कि कुछ आवाज नहीं आ रहा है। फिर उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, पिताजी पिताजी, माँ का तो तबीयत खराब है, तो वो तो खाना बना भी नहीं सकती और घर में खाने के एक दाने भी नहीं है। तब पति का अकल ठिकाने आते हैं कि मेरी तो भूख से हालत खराब है और घर में खाने के दाने नहीं है। फिर वह काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। चलते चलते उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वह सोचता है, क्यों ना हम सेठ जी के पास जाएं और उनसे कोई काम मांगे, शायद मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। फिर सेठ जी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी मुझे कोई काम दीजिए, मुझे सख्त जरूरत है काम की और मुझे पैसे की भी जरूरत है, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो फिर मेरी पत्नी का दवाइयाँ कैसे आएंगी। फिर सेठ जी भी बहुत अच्छे और ईमानदार थे। सेठ जी बोले, ठीक है, तुम मेरे घर में साफ सफाई का काम करो। तो वह काम करने लगता है। काम करते करते उसे कुछ सोने की अंगूठी मिलती है, वो जमीन पे गिरी रहती है और फिर उसे वो उठा लेता है और मन ही मन सोचता है, क्या मैं ये अंगूठी रख लूं या सेठ जी को दे दूं? वो मन ही मन बोलता है कि अगर मैं अंगूठी रख लूंगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर सोचता है कि सेठ जी इतने अच्छे और ईमानदार हैं, मुझे तुरंत नौकरी पे रख ले तो नहीं, मैं सेठ जी को दे देता हूँ। इधर सेठ जी सब चीज देख रहे थे। फिर वह सेठ जी को अंगूठी दे दिया। सेठ जी बोले कि हमें मुझे बहुत खुशी हुई और तुमने ईमानदारी से काम किया और अपनी ईमानदारी दिखाया, तो तुम हमेशा मेरे घर में काम करो और मैं तुम्हारे जैसा ही आदमी का तलाश था मुझे, तो जो मुझे मिल गया है, अब लो कुछ पैसे और अपनी पत्नी का दवाई लो और कल से फिर टाइम से आ जाना। तो बोला, ठीक है सेठ जी। फिर वह दवाई और कुछ खाने का सामान घर लेकर जाता है। तो उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप इतने जल्द आ गए और हाथ में दवाइयाँ और खाने का सामान। तब उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटी, मुझे काम मिल गया है सेठ जी के घर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बोला है कि तुम हमेशा मेरे घर में इसी तरह से काम करना और तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तब बेटी उसकी बहुत खुश होती है और तब वह बोलते हैं, बेटी अब तुम लोगों को काम करने की दूसरे के खेतों में जरूरत नहीं है, अब तुम लोग घर का काम संभालो और मैं बाहर का काम संभालूंगा। फिर